बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के हवाले से। पिछली हम लोग ने वीडियो जो थी वो पेमेंट के हवाले से देखी थी, जिसमें हमने डिफरेंस देखा था कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट के दरमियान। ये है रिसीट का। रिसीट मतलब जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो उससे मुराद होता है कैश का आउटफ्लो, और जब हम रिसीट की बात करें तो उससे मुराद है कैश का इनफ्लो। अब हम देखते हैं जी कि अब इनफ्लो दो तरह का होता है, यानी जब पैसा आ रहा है तो उसको हम दो कैटेगरीज में ले जाते हैं। कुछ जो इनफ्लो है उसको हम कहते हैं कि कैपिटल है, कुछ इनफ्लो को हम कहते हैं कि रेवेन्यू है। अब कैपिटल क्या है आइए हम देखते हैं। वो बात करता है रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग, मीन नॉट रेगुलर इन नेचर एंड हुज बेनिफिट मे बी एंजॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। तो यानी क्या है कि जिसके अंदर जिनका बेनिफिट लॉन्गर होता है, एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, और आपने उसके लिए पैसे मिले हैं और आपने बेनिफिट किसी को अब दिया होगा, तो अब वो जो पैसे आए हैं वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए, तो वो वाली रिसीट आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसीट्स कहलाएगी। जैसे मालिक से बिजनेस में आपने पैसे ले लिए, यानी मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो कैपिटल भी है, वो भी आपके पास रिसीट्स है। तो वो आपके पास रिसीट तो आई, पैसा तो आया, लेकिन आपके ऊपर दूसरी तरफ से एक तरह की लायबिलिटी भी बन गई है। कैपिटल जैसे मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में ठीक है, रिसीट्स आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके ऊपर लायबिलिटी भी होती है। तो वो कहते हैं दीज आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये रिसीट्स आएंगे लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट जो होगा वो लायबिलिटी होगा। तो दैट्स व्हाई कि हम कहते हैं कि कैपिटल रिसीट्स होती हैं उनको हम लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल इंक्लूड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट्स कैपिटल। लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेंगे तो ठीक है पैसा आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप पर लायबिलिटी बन जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द डिबेंचर, आपने डिबेंचर के अगेंस्ट आपने अमाउंट लिए है, तो आप जो डिबेंचर आपने दिए हैं तो वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। लेकिन रिसीट्स आई लेकिन दूसरी तरफ आपके लायबिलिटी बन गई। सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, कोई ओल्ड एसेट पड़ा था, हालांकि एसेट बेचने के लिए नहीं होता, लेकिन ओल्ड एसेट था जो आपका यूजलेस हो गया, कबाड़िए को आप बेच देते हैं, उसका स्क्रैप वगैरह जो भी है, तो उसकी जो भी स्क्रैप वैल्यू आएगी, सॉलिज वैल्यू वगैरह जो भी उसके बदले में आपको रसीव होगी, तो उसको वो आपके लिए क्या है? रसीट है। लेकिन वो चूंकि कैपिटल नेचर का आइटम था, उससे जो आई है रसीट, तो वो आपकी रसीट कौन सी कहलाएगी? कैपिटल रसीट कहलाएगी। और कैपिटल रसीट्स आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा है जी रेवेन्यू रसीट्स। रसीट्स विच आर रिकरिंग वो होती हैं जो कि बार बार होती हैं, मीन ऑन रेगुलर बेसिस आपको वो पैसे आ रहे हैं, इन नेचर रेगुलर इन नेचर आर रिकरिंग इन नेचर हुज बेनिफिट इज टेकन विद इन अ ईयर आर कॉल्ड रेवेन्यू रसीट्स। दीज आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आने वाला हर आइटम आपका रेवेन्यू रसीट्स का है, मतलब उसके बदले में रसीट्स आपको मिले और वो वाले आइटम जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके इनफैक्ट रेवेन्यू है, तो उसके बदले में जो भी पैसा आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द गुड्स, की चीज़ें बेची तो उसके बाद सेल की है अपने चीज़ों की, तो सेल आपकी क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि उसके बदले में पैसा आया वो तो रिसीट्स हो गया, लेकिन जो आइटम है सेल वो रेवेन्यू नेचर का है। सो दैट्स वाई दैट रिसीट वुड बी कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो आपके पास रेवेन्यू रिसीट है। कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इस तरह की जो ये आइटम होते हैं ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ तक हम कवर अप कर चुके हैं रिसीट्स का टॉपिक, पेमेंट का टॉपिक, कैपिटलाइज्ड का और डेफर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का, और ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क। तो वो वीडियो अगर आपने प्रीवियसली नहीं देखी तो उसको आप देख लें सीक्वेंस में, सो दैट अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस पर होगी। ये वीडियो थी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।